हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो का लास्ट तक और देखते रहिए हमारा चैनल एंटेक। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने एंटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि हमारा जो भी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों अक्सर हम लोगों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी डर लगा रहता है कहीं हमारा डाटा है जो कि फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए लीक ना हो जाए। और दोस्तों हो ना जाए की बात तो अलग है, लेकिन हो भी जाती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप का डाटा कहीं ना कहीं कभी ना कभी लीक हो गया। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो ही कि व्हाट्सएप और फेसबुक से हमारा जो डाटा लीक हो रहा है उसकी पहली वजह। दूसरी वजह भी सुन लो आप, अक्सर हमारे घर वाले लोग जो हमसे बड़े होते या फिर हमारे पेरेंट्स हम पे नजर रखने के लिए वो हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक को हैक करके रखते हैं, या फिर कुछ लोग हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ऑलमोस्ट चेक करते रहते हैं कि आखिर हमारे लाइफ में चल क्या रहा। लेकिन दोस्तों आप एक स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप बड़े हो चुके हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, तो ये सब आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने पर्सनल चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, तब दोस्तों अगर आप लोग अपना पर्सनल चीजें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करते हो, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, अपने बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अपने किसी कंपनी से रिलेटेड फाइल किसी को भेजते हो, तो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए आप ना भेजा करो। क्योंकि अक्सर आप लोग अपना फोन है जो कि कभी दोस्तों के हाथों में देते हो, कभी किसी बच्चे के हाथों में देते हो, तो वो जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को व्हाट्सएप और फेसबुक को छेड़ डालते हैं। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्स वो देख लेते हैं, चाहे तो आपका दोस्त हो या आपकी बातें भी वो सुन लेते हैं, चाहे तो वो कोई हो। तो इन सब से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए। तो दोस्तों हमारे फोन में ऑलमोस्ट एक जीमेल इंस्टॉल होता है, तो हमें उसे यूज करना है। हमें जिस किसी को भी मैसेज करना है उसके जीमेल पे करना है, उसे मेल करनी है, चाहे तो हम उससे बातें कर रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं। ये भाई दिनचर्या की बातें जो हो गई वो तो ठीक है कि हमने व्हाट्सएप और फेसबुक पे कर ली अपने दिन भर की बकवास वाली बातें, लेकिन दोस्तों आप अपने काम से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड या फिर अपने किसी प्राइवेट चीजों से रिलेटेड अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो और आप चाहते हो वो चीजें किसी और को ना दिखे, तो आप लोगों को मेल का यूज करना चाहिए जो कि बहुत ही सेफ है। दोस्तों हमने कभी ऐसा नहीं सुना है अभी तक कि मेल का भी जो डाटा है वो कभी लीक हो। हम इसे थोड़ा सा सेफ मानते हैं, अगर आप भी इसे सेफ मानते हो तो आप इसे यूज करो। दोस्तों हम लोग सिर्फ मेल का यूज करते हैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से यूज करने के लिए। मेल करने का मतलब दोस्तों जी जो जीमेल हुआ उसका यूज हम लोग किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने या फिर किसी भी ब्राउजर में या फिर किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए, उसे साइन इन करने के लिए सिर्फ मेल जीमेल का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन हम लोग उसे कभी अपने पर्सनल कामों के लिए यूज नहीं किए। तो दोस्तों हम लोग को करना बस यही है, सामने वाले बंदे जिससे आप बात कर रहे हो या फिर जिसके पास आपका अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना, उससे उसका जीमेल आप मांगो और उसे मेल करो ताकि आपका जो भी बात है वो किसी और तक ना पहुंचे। दोस्तों आप हमारी बात मानो तो आप लोगों को मेल का ही यूज करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ अपनी पर्सनल चीजों को शेयर करने के लिए। इससे होगा ये कि अक्सर जितने भी आपके पेरेंट्स या फिर आपसे रिलेटिव जो भी लोग होते हैं, आप जिनके पास भी अपना फोन देते हो, वो कभी आपका मेल चेक नहीं करते हैं। उनको मेल उतना समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि मेल पे बहुत सारे मैसेज आती है, तो वो सर्च नहीं कर सकते और उनको ये भी नहीं पता चलेगा कौन सा मेल किसका, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी का मेल उसके नाम से बना हो और हर किसी का मेल उनको पता हो कि किसका मेल है या फिर किसका मेल आया है या फिर आप किसके पास मेल कर रहे हो। तो दोस्तों इस स्थिति में आप लोगों का मेल यूज करना बहुत ही बेहतर साबित होगा। और आप लोगों को ये नहीं पता है कि जीमेल होती है उसकी सारी सेटिंग क्या है, उसकी सारी सेटिंग हम ऑन कैसे करें, उसका जितना भी फीचर्स है उसका यूज हम पूरी तरह से कैसे करें, तो उन सब के लिए कल हम लेकर आएंगे एक नया वीडियो भी होगा बहुत ही शानदार। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हम ये सारी चीजें अभी बता दें तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।